नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पानसीमल में कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग ने शुक्रवार को विकासखंड पानसीमल के दौरे के दौरान कृषि उपज मंडी खेतिया पहुंचकर वहां पर की जा रही कपास नीलामी के कार्य को देखा। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के व महाराष्ट्र से आए किसानों से जाना कि उन्हें कपास का प्रति क्विंटल कितना भाव मिलता है। इस दौरान किसानों ने बताया कि उन्हें समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य ही मिलता है, इसलिए वे कपास बेचने के लिए खेतिया मंडी में आते हैं। इस दौरान कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी के सचिव मनशाराम जमरे से मंडी में आने वाली उपजों एवं उनकी आवक के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को मंडी में अपनी उपज का विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान पानसीमल SDM रमेश सिसोदिया, जनपद पंचायत CEO महेश पाटीदार, तहसीलदार हितेंद्र भावसार, नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर द्वारा खेतिया में निर्मित हो रहे अस्पताल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पानसीमल खेतिया सामुदायिक केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश बड़वानी पानसीमल से महेंद्र सोनमणि की रिपोर्ट। मुख्यतः राजस्व महाअभियान, साथ में कुछ निर्माण कार्य का भी मेरे द्वारा विजिट किया गया और साथ में खेतिया मंडी की भी व्यवस्था देखी गई। सर, क्या पाया गया निरीक्षण के दौरान? देखिए, जहाँ जहाँ जैसे राजस्व महाअभियान में जो कार्य करने हैं संबंधित पटवारी को या संबंधित तहसीलदार को, इसके बारे में उनको अवगत कराया गया और जो भी कमी पूर्ति थी उसके बारे में बताया गया। साथ में जो निर्माण कार्य हैं, जैसे विशेष रूप से आंगनबाड़ी भवन का निर्माण देखा गया। साथ में यहाँ जो CSC है उसका भी निर्माण देखा गया। तो उसमें भी जो भी समय सीमा है, समय सीमा में निर्माण कार्य कम्प्लीट करने के लिए बताया गया। साथ में एक CMRI स्कूल है दोनवाड़ा में, तो उसका भी निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। सर, किसानों से भी चर्चा की आपके द्वारा? हाँ, मंडी में जो किसान हैं, किसानों से भी मेरे द्वारा चर्चा की गई। खासतौर पर जो उनकी उपज है कपास जैसे, तो उसके रेट के बारे में, भाव के बारे में चर्चा की गई और साथ में MSP के बारे में भी चर्चा की गई। साथ में जो मंडी जो है, मंडी में मंडी की आय व्यय आदि की भी जानकारी ली गई। सर, किसानों ने जो 200 रुपये अभी कम किए हैं CCI के द्वारा, उसको लेकर कोई चर्चा की? नहीं, यहाँ के मंडी में कोई इशू नहीं है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।